बताइए क्या मामला है, आज किस मामले को लेकर आप थाने में आए हैं? मामला तो ये है कि राम राम राधे राधे और शहरवासियों को क्षेत्रवासियों को महा जोड़ के नमन कर रही हूँ कि है कि एक ब्रिटेशन के पास ये लोग रहते हैं पढ़ाई कर जानने से ये लोग आने ने भाई आपका शरीर भाई कटवाया कि ना कटवाया। हमने 30-40 साल होगी यहाँ बैठा ने, हमारा सब वोट भी है यहाँ, हमारी आईडी भी है, हमने बुढ़ापा हो गए यहाँ। फिर वे लोग के है कि मैंने टारगेट कर दिया है ना, मारने की धमकी दे रहे हैं, गुंडा की धमकी दे रहे हैं, हमें इस तरह करते हैं, हमें इस तरह करते हैं। चल हमारी साबूत करनी थी लोगों ने, तो फिर आप क्यों मैंने ऐसा काम क्यों करवा के आया? वो रात उसका फोन आया, मैं उसको बोली थी मैं बेटा तेरी बात अच्छी बात नहीं है। नहीं, मामला क्या है पहले मामला बताओ। मामला तो क्या है कि भाई तू मैं नकली किन्नर हो, सब लोग हमारा बुढ़ापा बीत गया यहाँ, हम तो नकली है, तो तू मैं क्या साबूत करना चाहते हो? तुम भी तो है ना ऐसा काम करवा के आये हो है ना, तो है ना हमारे से क्या भाड़ते हो तुम लोग? हम तो यहाँ गद्दी नसी है, हमारे को बुढ़ापा आ गया, इब हमारे को टारगेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हम ऐसे कर दें ऐसे कर दें, तड़का है ना 15-20 और भी है, वह भी है ना हमारे से वृद्ध मांगने लग जाएगा, हमारे को खेत मांगने लग जाएगा। हमारा दर्द ये है कि गांव गांव में क्षेत्र क्षेत्र में शहरवासी में सारा पर्चा बांटे हैं उन्होंने है ना हमारे खिलाफ है ना, तो अच्छी बात थोड़ा ही है, हमारा साबूत करवाना था तो आप क्यों करवा के ऐसा काम है ना? तो वो है ना लड़का था, तो है ना लड़का का रूप आना हमारा साथ अनुभव उतरता पूरा उतरता है, हमारे को धमकी दे रहे कलेक्टर के पास जाऊंगा, मैं मीडिया लेके उतरूंगा, मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा है लोगों का, हमने तो जो भादरा का मैं जितना है जी हमें 7 जना है ना, तो हमारे को तो खतरा है लोगों से जितना है सब है ना राय बना रखी है, इंगड़ा न टपाओ फिर बुढ़ापा का मैं कहाँ जाए हम लोग बोलो है। ये तो तीसरा दिन का खेल हो गया है ना का भाई, तीसरा दिन का खेल हो गया भाई, और कदे कोसोई नाच उठे कदे कोसोई नाच उठे, तो हम तो दुखी होके नहीं थाने का नहीं आई हाँ, प्रशासन से हमारे हाथ जोड़ के विनती है भैया शाम को है ना कुकर करके ना ठंडा मीठा दस मर्जी करो। आप बताइए शिल्पा जी क्या मामला है, मामला बताओ पहले आप। जय श्री कृष्णा राधे राधे, मैं शिल्पा उर्फ सुभाष गाँव में थाना से बात कर रही हूँ, और रही बात ये कि मैं खुद एक यानी ब्राह्मणों का बच्चा हूँ, और मैंने छोटी सी उम्र में ये संन्यास ग्रहण किया था किन्नर समाज के अंदर आके, और मेरे गांव के ऑफिसर की मेरे पास बकायदा लिखित है, सरपंच है, मोहते हैं, जो भी है मेरे वहाँ के जो विधायक हैं उनके, यहाँ के कुछ लोग मेरे जो बूढ़े बढ़ेरे मेरे हिजड़े हैं उनको इतना तंग कर रहे हैं कि हद से ज्यादा, इनको बोल रहे हैं कि हमें सालाना 50 महीने के दिन 50,000 रुपए हमें दो, नहीं तो हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, हमें गांव दो, हमें शहर की गलियां दो, नहीं तो हम तुम्हारा वो पर्दा उगाड़ेंगे, ये पर्दा इनको यानी कि मरने पे मजबूर हो गए जी, आज ये सुसाइड करने पे मजबूर हो गए, तब हम हार के और यहाँ पे थाने में पहुंचे हैं। मैं भी यानी कि शिल्पा और सुभाष ट्रांसजेंडर मैं भी यहाँ पे पहुंची हूँ, और आके इन सबको मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, और ये सारे मरने की कगार पे आ पहुंचे। रही बात ये कि इन सबको बहुत बड़ा परेशान करा जा रहा है, देखो मेरे बूढ़े बूढ़े हिजड़े इनको यानी कि सबको मारने की कगार पे, और इनका 5-6 लोगों का गैंग चल रहा है, 5-6 लोगों का गैंग है, ये कहते हैं कि हमें महीने के दिन 50,000-1,00,000 रुपए हमें दो, नहीं तो हम तुम्हें भादरा तहसील में रहने नहीं देंगे, हम तुम्हारी वो बेइज्जती करेंगे ना जाने कैसी। अब ये कह रहे हैं कि भी ऐसे होगा वैसे होगा फलाना होगा, तुम्हारे पर्चे छाप दिए, इनके पर्चे लगा दिए, फोटो में लगा दिए, जी कुछ भी फोटो लगाओ ये करो, पर आज के दिन मेरे बूढ़े बढ़ेरे हिजड़े सारे जो भादरा के अंदर मेरे बूढ़े बढ़ेरे हिजड़ों की कब्र भी खुदी हुई है, आपको तो पता है भादरा वासियों को, और मेरे को भादरा वासी सब जानते हैं कि मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ का बच्चा हूँ कहाँ का नहीं हूँ, ठीक है, पर मैं मेरे मालकों के अंडर में रहता हूँ, मेरे मालकों की सेवा में रहता हूँ, मेरे बूढ़े बढ़ेरे जो हिजड़े हैं उनकी सेवा में रहता हूँ, और ये जो पढ़ने के बहाने से और ये जो गैर धंधे करते हैं स्टेशन के पास, पहले इन्होंने रूम लिया, वहाँ की विधायक जी का पार्षद जी का फोन आया पंडित जी का, बोले देखो जी ये क्या हो रहा है, हमने कहा देखो जी हमारा तो कोई मैटर नहीं है कोई रोल नहीं है, फिर हम वहाँ पे छापा डाला, हमने कहा फिर यहाँ पे एक ये जो रिंकू रिंकू नाम का वाल्मीकों का लड़का, इस यहाँ पे 3 साल पहले इसने भी यहाँ पे अफरा तफरी खूब मचाई थी लिंग हटवा के, तो आज उसने भी पहले 3 साल पहले लिख के दिया कि भादरा ने वो भी डाल ली और सभी के क्षेत्रों में और किसी के क्षेत्रों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ये 3 साल पहले इसने भी गुंठा दिया था दस्तक दिया था यहाँ पे इसी थाने के अंदर, आज ये फिर अगर इनको क्या है कि ये मेरे जो बूढ़े बढ़ेरे हिजड़े हैं उनको गुमराह कर रहे हैं, इनको मरने पे मजबूर कर, खुदा न खास्ता मेरे हिजड़ों को कुछ हो जाता है, जो मेरे 70-70, 60-60, 50-50 साल के मेरे हिजड़े बैठे हैं उनको कुछ हो जाता है तो कानून के हाथ बहुत लंबे, ये बच नहीं सकते, ठीक है ना, और मैं हो सके ये तो क्या पता गए या नहीं गए कलेक्टर के पास जिला अध्यक्ष के पास, मेरे लिए तो ये भादरा का थाना ही कलेक्टर है, मेरे जजमान कलेक्टर है, मेरे लिए मेरे भाई बंधु बैठे हैं वो सारे कुछ है, अपने आप फैसला करेंगे।
आप ये कौन वेरीफाई करता है कि कौन असली किन्नर है कौन नकली किन्नर है? आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, तो ये कौन वेरीफाई करता है? हमारे पास हमारे बूट बुडेरे जो किन्नर होते हैं, जो हमारे हिसार बैठे हैं, जो हमारे दिल्ली के अंदर बैठे हैं, उनके पास बाकायदा प्रूफ प्रमाण होता है और उसमें ये लिखित होता है कि जैसे छोटी सी उम्र में बच्चा अगर किन्नर समाज की सेवा करने चला गया, कहते हैं ना कि घर पे रहता है तो किसी का नाम है ना हेमा मालिनी श्रीदेवी ये नहीं रखा जाता, जैसे कहते हैं कि आचार्य श्री श्री 1008 श्री, ये घर में नाम नहीं रखते माँ बाप। माँ बाप घर में रखते हैं सोनू मोनू सुभाष सोन मोन, और जब हम इस समाज के अंदर आते हैं तो हमें गुरु दक्षिणा जब मिलती है तब हमें नाम भी दिया जाता है और हमें दो घर भी दिए जाते हैं भी यहाँ पे बेटा तुम अपनी इज्जत बनाओ, दो पैसे अपने पेट में डालो और दो पैसे गरीब की बहन बेटियों में लगाओ। हाँ जी, भाजना क्षेत्र के हमें अंदर मान के हमारे गुरुजियों को तो 50-50 साल हो गए और हमें भी 15-15 साल हो गए। अगर हमारा कहीं भी एक भी लूज पॉइंट मिलता है कि ये लोग ऐसे करके ऐसे किया, इन लोगों ने जबरन वसूली की, जबरदस्ती की, मेरा कहने का मतलब यही है कि कहीं भी हमने ताली तमाचा बजा के किसी ने हमें 100 दिया, किसी ने हमें 50 दिया, उसी को मत्थे लगाया, और आज देख रहे हो कि किन्नर समाज कितना बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहा है और आज ये लोग हमें पर्चा छपवा के ऐसे उतारू हो रहे हैं जैसे कि इनको बदनाम किया जाए, ये नकली है। हम तो चाहे नकली हैं चाहे असली हैं, हम तो चाहे कुछ भी हो गए, पर आज ये बताओ कि जो ये लोग आते हैं बाहर पढ़ने के बहाने से और मेरे हिजड़ों को टॉर्चर कर रहे हैं, मरने के ऊपर विवश कर रहे हैं, तो इनका कौन रुखाला बनेगा? ये बताओ, कानूनी तो रुखाला बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है थाना अधिकारी साहब से कि भी इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और मेरे भादरा वासियों से निवेदन है हाथ जोड़ के, सब मेरे को जानते हैं और सब मेरे से वाकिफ भी है, देखो जी मेरे हिजड़ों की फोटो देख के, मेरे सारे हिजड़ों की फोटो देख के ही बधाई देवे, ये चोर जुबारे टकारे घूम रहे हैं ना, ये अगल्ले नगल्ले, इनसे बचे और औरों को भी बचाए। चलिए आप क्या कहेंगे बताएं क्या? बादा तहसील से जी, मेरे सर की नगर पास ऐसी हाथ जोड़ की बिनती है, जो असामाजिक तत्व वाले लड़के हैं जिन्होंने अपना लिंग परिवर्तन करवाया और जो हमारी छवि खराब कर रही हैं, जो हमारी छवि बनी हुई है, चलो हमारा बीता हुआ कल कैसा भी था और जो आज हमारा समाज देख के चले कि हम समाज में किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से जीते आ रहे हैं, और ये हमारी छवि खराब करने जा रही है। हमारे प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी छवि को साफ सुथरा किया जाए, जो हमारे पे आलछन लगाए गए उसको धुंधला किया जाए और हमारी छवि के ऊपर कोई अलंकरण कलंक ना लगे। जय श्री कृष्ण।